हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जो है करने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ। तो आपको पता है कि जो पूरा जीव जगत है उसको जो है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसको डिवाइड करके हम जो है अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ते हैं। तो पूरे जीव जगत को जो है आरएच व्हिटेकर ने फाइव किंगडम में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला है फाइलम, जिसमें पहला किंगडम है प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ठीक है, तो ये जो है फाइव किंगडम है जिसमें कि आरएच व्हिटेकर ने इसको डिवाइड किया हुआ है पूरे जीव जगत को। पूरे जीव जगत को आरएच व्हिटेकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया फाइव किंगडम में डिवाइड किया हुआ है। इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं प्रोटिस्टा, यह जो है एक किंगडम है, जो कि एक किंगडम है उस सिस्टम का, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। ठीक है, इसके आगे के जो फाइलम्स हैं प्रोटोजोआ के बाद के जो फाइलम्स हैं पोरीफेरा, सिलेंटेटा एंड निमेटोडा, ये सारे के सारे हम जो हैं कि एनिमेलिया में जाके पढ़ते हैं। बाकी इस फाइलम को हम प्रोटिस्टा किंगडम को हम जो है कहाँ पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। ठीक है, इस पे फाइलम प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेकल प्रपोज द किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो है कि जो टर्म्स हैं ये पूछ लिए जाते हैं, कि हेकल ने प्रपोज किया था किंगडम प्रोटिस्टा को। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा का जो नाम दिया था हेकल ने दिया था, और ल्यूएन हॉक जो थे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि सबसे पहले सिंपल एक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, डिस्कवर किया था, और उन्होंने प्रोटोजोवन को डिस्कवर किया था। ल्यूएन हॉक ने डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, और इसी से उन्होंने प्रोटोजोवंस की डिस्कवरी की थी। और क्योंकि ल्यूएन हॉक ने प्रोटोजोवंस की डिस्कवरी की थी, इसलिए इन्हें, ल्यूएन हॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो ल्यूएन हॉक है। गोल्ड फॉस जो है नेक्स्ट, ये जो साइंटिस्ट का नाम हमें इसमें याद रखना है वो है गोल्ड फॉस। गोल्ड फॉस ने टर्म दिया था प्रोटोजोआ। ठीक है, गोल्ड फॉस ने टर्म दिया था प्रोटोजोआ। और प्रोटोजूलॉजी क्या है, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रोटोजोवंस की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो टर्म्स याद रखने हैं वो है हेकल एक साइंटिस्ट का नाम, दूसरे साइंटिस्ट का नाम ल्यूएन हॉक, और तीसरा जो है गोल्ड फॉस। हेकल, ल्यूएन हॉक एंड गोल्ड फॉस। तो हेकल ने टर्म दिया था प्रोटिस्टा, ल्यूएन हॉक ने डिस्कवरी की थी प्रोटोजोवंस की अपने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा, और गोल्ड फॉस ने जो है प्रोटोजोवन टर्म दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एच एल जी ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फाइलम जो प्रोटोजोआ है इसके तीन साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो है प्रोटोजूलॉजी, ये तो किसी भी फाइलम या किसी भी साइंस के इसमें जूलॉजी लगा दो तो उसमें क्या हो गया कि उसके जीवों का अध्ययन हो गया। तो प्रोटो मीन्स की पुराने, और जूलॉजी मीन्स की जीव। तो पुराने जीवों की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी मतलब होता है जीवों की स्टडी। और कैसे जीवों की स्टडी, प्रोटो पुराने जीवों की स्टडी। ठीक है, जू मीन्स की जंतु, अलॉजी मीन्स की अध्ययन। तो जंतु का अध्ययन हो गया, और यहाँ पे प्रोटो मीन्स की पुराने हो गया, प्रोटो मीन्स की पुराने जंतुओं का अध्ययन। नेक्स्ट हमारा है जो इसमें पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो फाइलम प्रोटोजोआ है इसको जो है हम लोग थ्री सब फाइलम में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये सब फाइलम किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, ये जो है लोकोमोटरी आर्गन, जो लोकोमोटरी आर्गन फाइलम प्रोटोजोआ में अवेलेबल होते हैं, जो लोकोमोटरी आर्गन फाइलम प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं उसी के आधार पे हम जो है फाइलम प्रोटोजोआ को सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। हम इसे जो है तीन सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। पहला है सरकोमेस्टिगोफोरा, दूसरा है सिलियोफोरा एंड तीसरा है स्पोरोजोआ। ठीक है, तो सरकोमेस्टिगोफोरा, सिलियोफोरा एंड स्पोरोजोआ, यहाँ पे ये तीन सब फाइलम हो गए हैं, थ्री क्लासेस। जो हमारा सरकोमेस्टिगोफोरा जो सब फाइलम है इस
को जो है इसमें जो है क्या है कि सिलिया एब्सेंट होती है इसमें, या तो इस सरकोमेस्टिगोफोरा में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें या तो फ्लैजिला होता है या तो स्यूडोपोडिया होता है या कुछ नहीं होता है। तो जब सरकोमेस्टिगोफोरा को देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखते हैं सिलिया एब्सेंट है। सिलियोफोरा जो नाम है इसमें सिलिया से ही आप याद रख सकते हैं कि सिलिया प्रेजेंट होती है इसलिए सिलियोफोरा कहते हैं, सिलिया प्रेजेंट होती है इसलिए सिलियोफोरा कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा स्पोरोजोआ। तो यहाँ पे जो है सरकोमेस्टिगोफोरा में सिलिया एब्सेंट होती है, सरकोमेस्टिगोफोरा में सिलिया एब्सेंट होती है, और इसे जो है हम नेक्स्ट क्लासेस में डिवाइड करते हैं मेस्टिगोफोरा, सरकोडाइना एंड ओपेलाइनाटा। मेस्टिगोफोरा में जो एनिमल्स आते हैं वो है युगलिना एंड ट्रिपेनोजोमा, इनमें फ्लैजिला होता है। सरकोडाइना में जो है स्यूडोपोडिया जो है लोकोमोटरी आर्गन होता है, जबकि यह जो है मेस्टिगोफोरा में फ्लैजिला होता है। ओपेलाइनाटा में कोई लोकोमोटरी आर्गन नहीं होता है, ये वाटर करंट के साथ जो है कि मूव करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अमीबा एंटमीबा वो एनिमल हैं जिनमें स्यूडोपोडिया जो है लोकोमोटरी आर्गन होता है, और इस स्यूडोपोडिया के और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, उसे भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिलियोफोरा, सिलियोफोरा में सिलिएट होते हैं और सक्टोरिया। तो सिलिएट जो होते हैं जैसे कि पैरामीशियम एग्जाम्पल हो गया, बैलेंटीडियम इसका एग्जाम्पल हो गया, सक्टोरिया जो होते हैं सिलिया मॉडिफाइड इनटू टेंटिकल्स, पोडोफायरा और इफिलोटा। तो पोडोफायरा और इफिलोटा जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है हमारा स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ में है जो है कि कोई लोकोमोटरी आर्गन जो है नहीं होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नो लोकोमोटरी आर्गन, नो लोकोमोटरी आर्गन। टेलीस्पोरिया और पायरोप्लाज्मिया ये जो है इसमें आते हैं, इनको क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल जो है प्लाज्मोडियम है, मोनोसिस्टिस है, और यहाँ पे बेप्सिया है। इट काजेज टेक्सस कैटल फीवर। तो बेप्सिस जो है यह जो है फीवर काज करता है, ठीक है, डिजीज काज करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोटोजोआ जो हैं कि बहुत सारे डिजीज काज भी करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे युगलिना को थोड़ा डिटेल में, यहाँ पे युगलिना को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे युगलिना जो है क्या है, सरकोमेस्टिगोफोरा का जो क्लास है मेस्टिगोफोरा उसी का एग्जाम्पल है युगलिना और ट्रिपेनोजोमा। युगलिना जो होता है यह जो है युगलिना जो है कनेक्टिंग लिंक होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं युगलिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स। इट इज फ्रेश वाटर क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन फ्लैजिलेट। यह जो होता है कि फ्रेश वाटर क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन फ्लैजिलेट होता है, युगलिना जो होता है, युगलिना जो होता है हमारा, युगलिना जो होता है प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन फ्लैजिलेट है, इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो यह सन की लाइट में अपना फूड बना भी सकता है। इसमें वन कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, रिजर्व फूड होता है एज अ पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स। जो पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो जो है एक टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड होते हैं। इस पॉलीसेक्राइड का नाम याद रहना चाहिए, बीटा 1,3 ग्लूकोन। एक यह जो है एक पॉलीसेक्राइड है, यह जो है पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स के रूप में रिजर्व फूड मटेरियल होता है युगलिना के अंदर। युगलिना के अंदर प्रोटीनेसियस पायरेनाइड बॉडीज जो है अटैच होती है विद द क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है युगलिना में उसके अंदर प्रोटीनेसियस पायरेनाइड बॉडीज भी पाई जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो युगलिना है यह क्या है, यह कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, यह जो है फ्रेश वाटर क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन फ्लैजिलेट है। यह क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन फ्लैजिलेट है, और यह
जो है इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है बीटा 1-3 ग्लूकोन, और यह जो है क्या है एक पॉलीसेकेराइड है। यह इसमें जो है प्रोटीनेसियस पायरिनोइड बॉडीज होती हैं विथ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। वन पिगमेंटेड स्टिग्मा एंड वन फोटोरिसेप्टर आर फोटोसेंसिटिव ऑर्गनली ऑफ यूग्लिना। तो इसमें जो होता है वो एक पिगमेंटेड स्टिग्मा होता है एंड वन फोटोरिसेप्टर होता है। जो फोटोरिसेप्टर होता है वो फोटोसेंसिटिव ऑर्गनली होता है यूग्लिना का, ठीक है। न्यूट्रिशन इज मेक्सोट्रॉफिक, जो न्यूट्रिशन होता है मेक्सोट्रॉफिक होता है, होलोफाइटिक होता है, ऑटोट्रॉफिक इन सनलाइट बट बाय द फोटोसिंथेसिस एंड सेप्रोजोइक इन डार्क ड्यूरिंग द इटियोलेटेड कंडीशन। न्यूट्रिशन इज मेक्सोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन जो होता है मेक्सोट्रॉफिक होता है, मेसोट्रॉफिक होता है, होलोफिटिक ऑटोट्रॉफिक इन द सनलाइट बाय द फोटोसिंथेसिस एंड सेप्रोजोइक इन द डार्क ड्यूरिंग द इटियोलेटेड कंडीशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब सनलाइट प्रेजेंट होती है, तो जो है कि जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो यूग्लिना अपना फूड जो है खुद ही बना सकता है, लेकिन जब जब डार्क होता है तो उस समय यूग्लिना अपना फूड जो है नहीं बना सकता है। नक्टिल्यूका जो होता है इट हैज़ पावर आज बायोलुमिनिसेंस। नक्टिल्यूका जो होता है एक एक मीन्स की इसके अंदर जो होती है बायोल्यूमिनेसेंस की क्षमता होती है, और ट्राइकोनिम्फा जो होता है इट इज़ ए सिम्बियोटिक फ्लैजलेट फाउंड इन द गट आफ्टर माइट्स। सिम्बियोटिक फ्लैजलेट होता है, ठीक है, ट्राइकोनिम्फा जो कि जो टर्माइट्स होते हैं उनके गट में प्रेजेंट होता है, और यह जो है सेलुलोज डाइजेशन कर सकता है, तो यहाँ पे हमने यूग्लिना के बारे में देखा कि यूग्लिना जो है एक फ्लैजलेट क्या है प्रोटोजोअन है, और इसके अंदर जो है कि क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट को घेरे हुए प्रोटीनेसिस पायरिनोइड बॉडीज पाई जाती हैं, फूड जो रिजर्व फूड होता है जैसे कि प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, और ह्यूमन बीइंग में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है, ठीक वैसे ही यूग्लिना में रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, और यह जो है एक पॉलीसेकेराइड के रूप में रहता है और एक ग्रेन्यूल के फॉर्म में पैरामाइलन ग्रेन्यूल कहते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाया जाता है। यहाँ पे हम नक्टिल्यूका की बात कर रहे हैं तो पूछ लेता है कि इसमें कौन सी क्षमता होती है, बायोल्यूमिनेसेंस की क्षमता होती है। ट्राइकोनिम्फा जो है ये सिम्बायोटिक फ्लैजिलेट होता है। ट्राइकोनिम्फा के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि सिम्बायोटिक फ्लैजिलेट होता है, या किसके गट में, टर्माइट के गट में पाया जाता है, और यह जो है ट्राइकोनिम्फा जो है कैपेबल ऑफ सेलुलोज डाइजेशन। तो यह जो टर्माइट होता है, टर्माइट जो है जो कि उड को डाइजेस्ट करता है या उड को खाता है, तो वो कैसे जो है कि सेलुलोज को पचा पाता है, क्योंकि उसके गट में ट्राइकोनिम्फा नाम का एक जो है प्रोटोजोअन पाया जाता है, और यह जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट जो है प्रोटीरोस्पंजिया हम देखेंगे, इसमें प्रोटीरोस्पंजिया इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको याद रहने हैं कनेक्टिंग लिंक से, कनेक्टिंग लिंक का इसी में इतने ही में आपके 10 क्वेश्चन हो गए। जो कनेक्टिंग लिंक की बात कर रहे हैं तो जो प्रोटोजोआ है और पोरीफेरा है उनके बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होता है वो है प्रोटीरोस्पंजिया जो है प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। वहीं पे यूग्लिना जो है यह कनेक्टिंग लिंक है प्लांट एंड एनिमल्स के बीच का। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपैनोजोमा। ट्रिपैनोजोमा क्या होता है, इज ए फ्लैजिलेटेड ब्लड पैरासाइट। ट्रिपैनोजोमा जो होता है फ्लैजिलेट ब्लड पैरासाइट होता है ऑफ द वर्टिब्रेट एंड कार्ड ट्रिपैनोजोमियासिस। इट्स मोस्ट स्पीसीज आर डाइजेनेटिक। इसकी ज़्यादातर स्पीसीज डाइजेनेटिक होती हैं, मीन्स कि इन ये जो है दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल पूरा करती हैं।
ब्लड पैरासाइट, देखिए ये क्या है, ब्लड पैरासाइट है वर्टिब्रेट्स की, और ये डाइजेनेटिक होती है, मीन्स कि ये अपनी लाइफ साइकिल दो दो होस्ट में कंप्लीट करती है। गेम गेम एनिमल मीन्स कि एंटीलोप एंड डोमेस्टिक पिग सर्वाइव द रिजर्वायर होस्ट, मीन्स कि डोमेस्टिक पिग और एंटीलोप जो होते हैं इसमें ट्रिपैनोजोमा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ट्रिपैनोजोमा सो पॉलीमॉर्फिज्म, ये बहुत सारे फॉर्म शो करता है। ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंस की अगर हम बात करें तो ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंस का जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट जो है ब्लड सकिंग फ्लाइट इसे सीसी फ्लाई या ग्लोसिना पेल्पिलिस भी कहते हैं, जो कि स्लीपिंग सिकनेस काज करता है इन द वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका और इंडिया में भी, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका और इंडिया में भी। तो ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंस जो होता है इसका जो है प्राइमरी होस्ट मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट जो होती है सीसी फ्लाई होती है ग्लोसिना पेल्पिलिस, ये जो है ह्यूमन बींग के ब्लड को सक करती है। और सक करने के बाद क्या होता है, सक करने के बाद जो है कि क्या होता है, यह डिजीज काज करती है ट्रिपैनोजोमियासिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस। यहाँ पे ट्रिपैनोजोमा क्रूजी की बात करें तो प्राइमरी इसका भी प्राइमरी होस्ट मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट ट्राइएटोमाइड बग होता है, जो कि चगास डिजीज इन साउथ एंड द सेंट्रल अमेरिका में चगास डिजीज काज करता है। तो ट्रिपैनोजोमा क्रूजी से कौन सी डिजीज होती है, तो चगास डिजीज, यहाँ पे सी से क्रूजी है, सी से चगास है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है कि बस यही करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग जो है कि बस जो है प्रोटोजोआ को ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि लिस्मेनिया आ गया है, लिस्मेनिया भी जो है एक प्रोटोजोवन है जो कि डाइजेनेटिक है, ये भी जो है लिस्मेनिया भी जो है डाइजेनेटिक है। ब्लड पैरासाइट है यह मैन की, कैटल सीप हॉर्स एंड डॉग्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्मेनिया डोनोवानी के भी बारे में हम आगे पढ़ाएंगे। तो ब्लड पैरासाइट होता है मैन का, कैटल सीप हॉर्स एंड डॉग का, इट्स सेकेंडरी हॉर्स सैंड फ्लाई। इसका सेकेंडरी हॉर्स जो होता है सैंड फ्लाई, जिसको फ्लियोबोटमस कहते हैं। लिस्मेनिया डोनोवानी इट काज द काला आजार विस्ट्रल लिस्मेनियासिस, लिस्मेनिया डोनोवानी जो है काला आजार या विस्ट्रल लिस्मेनियासिस जो है काज करता है। लिस्मेनिया ट्रॉपिकल, लिस्मेनिया ब्रासिलेंसिस। तो यहाँ पे हम लोग मेनली लिस्मेनिया के तीन स्पीसीज पढ़ेंगे, लिस्मेनिया डोनोवानी यह जो है काला आजार काज करता है, लिस्मेनिया ट्रॉपिका इट काज द ओरिएंटल सोर क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस, ओरिएंटल सोर काज करता है, और लिस्मेनिया ब्रासिलेंसिस इट काजेज द स्पोंटीडा नोज नसो ओरल लिस्मेनियासिस और बुबोस्टिसिस। तो ये तीनों जो है लिस्मेनिया डोनोवानी से काला जार होता है, और लिस्मेनिया ट्रॉपिका से ओरिएंटल सोर होता है जो कि क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस है, और यूस्पोंडा जो नोजर ओरल लिस्मेनियासिस है। तो ये तीनों का नाम हमें याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यही तो पूछता है कि किससे कौन सी डिजीज होती है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो पढ़ना है नेक्स्ट हमारा वो है जियार्डिया, ठीक है। जियार्डिया को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। तो यह जो है क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है, कि जियार्डिया को हम जो है और क्या कहते हैं। जियार्डिया इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन। जियार्डिया इन्फेक्शन इज कॉल्ड द ब्लैक पैकर्स डिजीज एंड फ्लेजाइल ड्यूरिंग ड्रग इज यूज फॉर इट्स कंट्रोल, फ्लेजाइल ड्रग इज कंट्रोल। जो फ्लेजाइल ड्रग होती है यह इसके कंट्रोल के लिए यूज की जाती है। जियार्डिया इन्फेक्शन इज कॉल्ड द ब्लैक पैकर्स डिजीज, जब जियार्डिया का इन्फेक्शन हो जाता है हमारे बॉडी को तो इसे ब्लैक पैकर्स डिजीज कहते हैं। जियार्डिया को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है आ सकता है तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा अमीबा, अमीबा वाज डिस्कवर्ड बाय द रोसेनहाफ। अमीबा किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, रोसेनहाफ के द्वारा। और अमीबा को हम लोग क्या कहते हैं, ए लिटिल प्रोटियस, प्रोटियस मीन्स कि राक्षस। अमीबा नेम वाज गिवन बाय द
हेरेनबर्ग अमीबा जो नाम दिया गया था हेरेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। इसकी कॉमन जो स्पीसीज है अमीबा की वो है अमीबा प्रोटियस, अमीबा वेरुकोसा, अमीबा डिस्क्वाइडिस, अमीबा निवेना, अमीबा रेडियोसा। पैरासिटिक अमीबा जो है वो है एंटमीबा। जो पैरासिटिक अमीबा है वो है एंटमीबा। मल्टी न्यूक्लिएटेड अमीबा में है पी लोमिक्सा कोरेलाइनेंसिस। इट इज द लार्जेस्ट अमीबा, यह जो है सबसे बड़ा अमीबा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेश वाटर अमीबा और पैरासिटिक अमीबा और मल्टी न्यूक्लिएटेड अमीबा में कौन कौन से हैं। अमीबा एंड पैरामीशियम आर कल्चर इन लेबोरेटरी बाय द हे एंड फ्यूजन मेथड। और अमीबा और पैरामीशियम को हम कल्चर करते हैं लेबोरेटरी में, और जिस मेथड से इन्हें हम कल्चर करते हैं उसे हम हे एंड फ्यूजन मेथड करते हैं, है इन्फ्यूजन मेथड कहते हैं। प्लाज्मा लेमा इज डबल लेयर्ड एंड सेमी परमेबल साइटोप्लाज्म जो होता है इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म फॉर्मिंग द हाइलाइन लेयर एंड एंडोप्लाज्म व्हिच इज डिविजिबल इनटू द थिगर आउटर प्लाज्मा जेल एंड थिनर इनर प्लाज्मा सॉल क्रिस्टल एंड बायोरेट एंड ट्रायोरेट कार्बोनिल यूरिया एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है। न्यूक्लियस ऑफ अमीबा इज नॉट विजिबल अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। जो न्यूक्लियस होता है अमीबा का वो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखता है इन लिविंग कंडीशन बिकॉज इट इज रिफ्रेक्टिव ऑफ लाइट। लाइट को, क्योंकि यह लाइट को रिफ्रेक्ट कर देता है इसलिए यह जो है दिखता नहीं है। लाइट रिफ्रेक्टिव टू लाइट। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज फाउंड ओनली इन प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन में एक जो आर्गन पाया जाता है वो है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। यह जो है इट इज एब्सेंट इन एंटमीबा ट्रिपैनोजोमा एंड द प्लाज्मोडियम। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल लगभग ज़्यादातर प्रोटोजोअन्स में पाया जाता है लेकिन यह जो है एब्सेंट होता है एंटमीबा में, ट्रिपैनोजोमा में और प्लाज्मोडियम में। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? यह ऑस्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन होता है एंड थ्रो आउट द एक्सेस वाटर ऑफ द बॉडी। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो फंक्शन होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन और एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर फेंक देता है। इट इज़ द एनालॉगस टू किडनी ऑफ द हायर एनिमल। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनकी किडनी के एनालॉगस होता है। इफ़ ए फ्रेश वाटर अमीबा इज प्लेस्ड इन द सी वाटर। जब एक फ्रेश वाटर अमीबा को हम सी वाटर में रख देते हैं तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल स्टॉप फंक्शनिंग। तो यहाँ पे जो है कि उसका कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन समाप्त हो जाता है। इफ द फ्रेश वाटर अमीबा इज प्लेस्ड इन द सी वाटर, तो जब हम इसको सी वाटर में रख देते हैं तो क्या होता है कि सी वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइप के साल्ट पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि कंट्रेक्टाइल वैक्यूल द स्टॉप द फंक्शनिंग। तो यहाँ पे कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है फंक्शन करना स्टॉप कर देता है। इफ द मेराइन अमीबा इज प्लेस्ड इन द फ्रेश वाटर, जब हम मेराइन अमीबा को क्या करते हैं फ्रेश वाटर में रख देते हैं, देन फर्स्ट इट्स वेल एंड डेवलप ए कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फाइनली कम टू इट्स नॉर्मल साइज। जब हम मेराइन अमीबा को प्लेस करते हैं फ्रेश वाटर में देन फर्स्ट इट्स स्वेल, तो यह जो है सबसे पहले स्वेल करता है एंड देन डेवलप ए कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फाइनली कम टू इट्स नॉर्मल साइज। तो क्या होता है कि मेराइन अमीबा को जब हम फ्रेश वाटर में रखते हैं तो यह जो है स्वेल करता है क्योंकि क्योंकि वाटर जो है इसके अंदर जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है वो डेवलप वैक्यूल जो होता है वो डेवलप हो जाता है और डेवलप होने के बाद क्या होता है, डेवलप होने के बाद यह जो है जो एक्सेस वाटर होता है इसको बाहर फेंक देता है और यह जो है इसके नॉर्मल साइज पे आ जाता है। इफ़ ए पैरासिटिक अमीबा एंटमीबा इज प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर एंड देन इट्स वेल, जब हम किसी फ्रेश वाटर पैरासिटिक अमीबा को फ्रेश वाटर में रखते हैं तो यह जो है स्वेल कर जाता है और बस्ट करता है। सीडोपोडिया ऑफ अमीबा आर लोबोस टाइप। जो सीडोपोडिया होती है अमीबा की वो लोबोस टाइप होती है, लोबोपोडिया होती है।
दे हेल्प इन बोथ लोकोमोशन एंड फीडिंग, और यह जो है लोकोमोशन में और फीडिंग दोनों में हेल्प करती है। दे आर एनालॉगस टू टेंटिकल, तो सिडोपोडिया जो पाया जाता है अमीबा में वो लोबोस टाइप होता है, इसको लोबोपोडिया कहते हैं, और यह जो है हेल्प करता है लोकोमोशन में एंड फीडिंग में। दे आर ऑल्सो एनालॉगस टू टेंटिकल ऑफ हाइड्रा, अपेंडेजेज ऑफ इंसेक्ट एंड ट्यूफिट ऑफ द इकानोडर्मे। दे आर एनालॉगस टू टेंटिकल ऑफ हाइड्रा, अपेंडेजेज ऑफ इंसेक्ट एंड फिट ऑफ द इकानोडर्मेट। ओल्डर सिडोपोडिया विड्रॉल, जो ओल्डर सिडोपोडिया है वो विड्रॉल कर दिए जाते हैं। दे रिमेन विजिबल ऑन ट्रेलिंग रेयर एंड फॉर द सम टाइम एज ए स्मॉल लोस फॉर्मिंग द मारुलेटेड यूरॉइड। लोकोमोशन इन अमीबा अकर बाय द अमीबॉइड मूवमेंट, सिडोपोडिया फॉर्म बाय द सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन, द फिजिको केमिकल प्रोसेस अटैचमेंट ऑफ द सिडोपोडिया टू सबस्ट्रेटम इज फैसिलिटेटेड बाय कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम आयन। तो यह जो है किसके द्वारा, तो यहाँ पे हम अमीबा के बारे में पूरा देख लेते हैं, क्योंकि क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो अमीबा है इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अमीबा जो है इसमें हमें, यह जो है किसका, प्रोटोजोआ का ही है, जिसमें कि सिडोपोडिया जो है लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। तो इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो एनिमल प्रोटोजोआ के बचेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ओल्डर सिडोपोडिया विड्रॉल, यहाँ पे हम देखते हैं कि कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, आस्मो रेगुलेटरी फंक्शन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पैरासिटिक एंटमीबा को अगर हम फ्रेश वाटर में रखेंगे तो वो स्वेल करेगा और बस्ट हो जाएगा। सिडोपोडिया जो होती है अमीबा की उसको हम लोबोपोडिया भी कहते हैं। सिडोपोडिया जो होती है अमीबा की उसको हम लोबोपोडिया भी कहते हैं, क्योंकि वो जो है लोब शेप की होती है। दे हेल्प इन बोथ लोकोमोशन एंड फीडिंग। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सिडोपोडिया लोकोमोशन में और फीडिंग में किस तरह से अमीबा की हेल्प करती है। दे आर एनालॉगस टू टेंटिकल ऑफ हाइड्रा, यह जो होती हैं हाइड्रा का जो टेंटिकल होता है उसके एनालॉगस होती हैं। एंड अपेंडेजेज ऑफ इंसेक्ट के अपेंडेज और ट्यूब फिट ऑफ द इकानोडर्मे, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टेंटिकल्स हैं हाइड्रा के और जो इंसेक्ट के अपेंडेज है और ट्यूब फिट है इकानोडर्मेट के, ये सारे के सारे क्या करते हैं, फीडिंग और लोकोमोशन दोनों में हेल्प करते हैं। इसलिए ये जो सिडोपोडिया है या जो है एनालॉगस हो गए। ओल्डर सिडोपोडिया और विड्रॉल, जो पुरानी सिडोपोडिया है वो विड्रॉल कर ली जाती है। दे रिमेन विजिबल एंड ट्रेलिंग रेयर एंड फॉर द सम टाइम एज स्मॉल लोब्स फॉर्मिंग द मारुला यूरॉइड। लोकोमोशन इन अमीबा अकर बाय द अमीबॉइड मूवमेंट, जो लोकोमोशन होता है अमीबा में अमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा होता है। सिडोपोडिया आर फॉर्म बाय द सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। सिडोपोडिया का बनना एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। अटैचमेंट ऑफ सिडोपोडिया टू सबस्ट्रेटम इज फैसिलिटेटेड बाय, जो सिडोपोडिया जो है जब अटैच होती है सबस्ट्रेटम के से तो यह फैसिलिटेट किया जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम आयन के द्वारा। सॉल जेल थियोरी वाज गिवेन बाय द हाइमैन, जो सॉल जेल थियोरी है, सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन थियोरी है फिजिको, जो कि एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है, यह हाइमैन के द्वारा दिया गया है। पेंटिंग एंड मास्ट सेड दैट सिडोपोडिया फॉर्म एंड विथड्रॉ ड्यू टू साइक्लिक चेंज इन विस्कोसिटी ऑफ कोलाइडल साइटोप्लाज्म फ्रॉम सॉल टू जेल एंड जेल टू सॉल। सूजले गिव द कंट्रेक्टाइल थियरी, सरफेस टेंशन थियरी वाज गिवेन बाय ब्रेथ होल्ड एंड रोलिंग मोमेंट थियरी वाज गिवेन बाय द गोल्ड ग्रास एंड लॉर्च। हक्सले सेड दैट एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन पार्टिसिपेट इन आइसोलेशन एंड जी लेसन। फाउंटेन जोन कंट्रेक्टाइल थियरी वाज गिवेन बाय एलन। फाउंटेन जोन कंट्रेक्टाइल थियरी वाज गिवेन बाय एलन।
कंट्रैक्शन हाइड्रोलरिक थ्योरी वाज गिवन बाय द रनाल्डी एंड जॉन। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, अमीबा का जो न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक होता है। अमीबा जो है ऑमनिवोरस होता है, प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है। इट फीड ऑन द एल्गल फिलामेंट बाय सर्कमवेलेंस। सर्कमवेलेंस मीन्स कि ये अपने स्यूडोफोडिया के द्वारा जो है जो एल्गल फिलामेंट है उसको चारों तरफ से घेर लेता है और उसे खा लेता है। और यह बैक्टीरिया को भी खाता है, अदर फास्ट मूविंग ऑर्गेनिज्म बाय सर्कमवेलेंस एंड लिक्विड बाय द पिनोसाइटोसिस। लिक्विड को यह जो खाता है उसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं, या फिर पीने से आप से हम पानी पीते हैं वैसे ही, जैसे पानी क्या है लिक्विड है, वैसे ही अमीबा भी जो कुछ भी अगर पीता है तो इसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। लिक्विड को ये पिनोसाइटोसिस के द्वारा अपनी बॉडी में ले जाता है, ठीक है। पैसिव फूड इंजेशन ऑकर बाय द इम्पोर्ट, ठीक है। इनवेजिनेशन मेथड ऑल्सो ऑकर इन अमीबा, अमीबा में इनवेजिनेशन मेथड भी होता है। काइलोमोनास इज द फेवरेट फूड ऑफ अमीबा। काइलोमोनास जो होता है वो अमीबा का फेवरेट फूड होता है। जो काइलोमोनास होते हैं वो अमीबा के जो हैं फेवरेट फूड होते हैं। यहाँ पे और हम देख सकते हैं कि डाइजेशन अकर इन द फूड वैक्यूल, तो अमीबा का जो डाइजेशन होता है वो फूड वैक्यूल में होता है। और अमीबा का जो डाइजेशन फूड वैक्यूल जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हायर प्लांट्स के एनालॉगस होता है। जो अमीबा में फूड वैक्यूल होता है वो जो है एलिमेंट्री कैनाल जो होता है हायर प्लांट्स के उसके एनालॉगस होता है। फूड वैक्यूल कंटेन फूड एंड वाटर एंड मूव इन बॉडी ऑफ अमीबा बाय मोमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड द साइक्लोसिस। फूड वैक्यूल जो होता है फूड कंटेन करता है एंड वाटर भी कंटेन करता है और बॉडी में मूव करता है, किसकी अमीबा की बॉडी में मूव करता है बाय द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अमीबा की बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म जिस तरह से मूव करता है ठीक वैसे ही फूड वैक्यूल भी मूव करता है और इसे कहते हैं साइक्लोसिस। लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइसिंग एंजाइम। लाइसोसोम जो है वो हाइड्रोलाइसिंग एंजाइम कंटेन करता है। डाइजेशन इन द फूड वैक्यूल अकर फर्स्ट इन एसिडिक मीडियम एंड देन इन द एल्कलाइन मीडियम। डाइजेशन जो होता है इन फूड वैक्यूल अकर इन फर्स्ट इन द एसिडिक मीडियम। जो डाइजेशन होता है सबसे पहले एसिडिक मीडियम में होता है और तब जाके एल्कलाइन मीडियम में होता है। इजेशन अकर फ्रॉम एनी प्लेसेस फ्रॉम द सर्फेस पार्टिकुलरली एट रियर एंड। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इन अमीबा स्पंजस सिलेंटेड अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। दे आर अमोनोटेलिक। जो अमीबा होता है यह अमोनोटेलिक होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो अमीबा होता है अमोनोटेलिक होता है क्योंकि यह वाटर में पाया जाता है। अब जो है हम प्रोटोजोअन्स के कुछ मूवमेंट है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।